हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। ये वीडियो मैंने गाँव की शादी और भाई दूज के ऊपर बनाई है। मैं दिखाऊंगी आपको गाँव शादी कैसे सेलिब्रेट होती है। अब हम जा रहे हैं दिल्ली से एटा, जहाँ पर मेरा गाँव है, अपने मामा के। हम इसके बाद एटा पहुँच जाते हैं। एटा से बस स्टार्ट, यहाँ से बस लेते हैं और निकल जाते हैं। हम पैसे फूट से दवा लेते हैं बस। और मम दौज पूछने के लिए दो चौक बनाए थे, एक मम्मी के लिए और दूसरा मेरी बहन के लिए। दोनों ने चौक पूजे, मामा को दौज खिलाई और उसके बाद पैर छुए मामा ने। इनकी दौज कंप्लीट हो गई, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की दौज। डुगू ने भी सेलिब्रेट की, ये मेरी बहन, इसकी भी दौज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम खेत पे घूमने जाते हैं नेक्स्ट, और फिर हम वहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट डे हमारे घर में शादी थी, इसके लिए हम रेडी होके फ़ोटो खींचते हैं। हम सभी कज़न्स ने फ़ोटो खींची, सेल्फी ली। एंड इसके बाद ये है नेक्स्ट डे उनके शादी का दिन, विदाई होती है। हमारे यहाँ सेकेंड डे विदाई होती है। इसी बीच हम घूमने जाते हैं खेत पे। देख, खेत पे ये रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मोड़दार रोड है, बहुत ही ज़्यादा मोड़दार रोड है। ये अपनी भैंस को चरा रहे हैं, भैंस को लेकर आए चराने के लिए, खुद घास में बैठ। फिर हमने देखा इंजन चल रहा था, इंजन से हमने बहुत अच्छा लगा, पानी चलता हुआ उसका। ये खेत है जिसमें गेहूं बोए जा रहे हैं, जो पहले जुताई हुई फिर बुआई हो रही है। गेहूं बो रहे थे हमारे मामा। खेत बोने के बाद हम घर को लौट जाते हैं। लौटने से पहले हमने बहुत मज़े किए इंजन से, इसका पानी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। साइकिल खड़ी की है, साइकिल पर आई थी। सच में गांव में बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। ये सरसों का खेत है, ये यहाँ के कच्चे रास्ते जो काफ़ी अच्छे हैं, जिस पे चोट लगने का डर ही नहीं होता। ये हम कज़िन्स की फ़ोटो, हमने वहाँ फ़ोटो शूट की, वीडियो शूट की। एंड थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हमने गांव में। फिर दिखाते हैं आपको, बहुत सारी फ़ोटो खींची, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो आई थी हमारी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे हम न्यू ड्रेस पहन के। नेक्स्ट, फिर उसी रात वापस आके हमने देखा बारात आती है। गाँव की बारात जिसमें सभी लड़के डांस करते हैं, बारात आने के बाद बेला जयमाला करते हैं। ये जयमाला पढ़ रही है, उसके नेक्स्ट डे करने का होता है, जिसमें सभी कन्यादान करते हैं। ये कन्यादान बहुत बड़ा काम होता है, सभी आकर कन्यादान करते हैं। इसके बाद एक कमरे में जाते हैं, कमरे में जाने से पहले एक कम दरवाजे रोकने की रस्म होती है, जिसमें रस्म के लिए तैयार हो गए हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। वो दरवाजा रोककर उनकी शादी खड़ी हो जाती है, उनको अंदर नहीं जाने देती हैं, उनसे नेक मांगती हैं। नेक लेने के बाद फिर उनकी एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद ये पूजा करते हैं,
अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। पता नहीं पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, कौन से देवी देवता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद विदाई होती है। विदाई होने के बाद विदाई में बहुत ही ज़्यादा सभी लोग रो रहे थे। विदाई के बाद गीत होते हैं। गीत के बाद घर पे होली की जाती है। ये हमारे यहाँ गांव की शादी, गांव की शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेट की जाती है। गांव में गीत गाते जाते हैं। ये अपना अकेले खड़ी हैं, गांव में पूजा करते हैं। नेक्स्ट डे हम अपनी दादी के घर चले जाते हैं। ये मेरी दादी का घर है, दादी के घर के रास्ते मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हमारा घर खेत में ही है, आगे घर पीछे खेत। तो हम अपने खेत में जाते हैं। मेरी दादी मेरे चाचा को बुलाने जाती हैं। मेरी दादी आवाज़ लगाती हैं, चाचा कहीं नहीं दिखाई देते, ना सुन चाचा कहीं नहीं सुन पाते हैं। मुझे तो सच में चाचा नहीं दिखाई दिया, लेकिन अम्मा को दिखाई देते हैं और आवाज़ लगाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।